बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ दिया जाएगा दोस्तों। बता दें द फॉर्मुलेशन ऑफ EPS 95 स्कीम इट्सेल्फ अ डिफेक्टिव स्कीम, एक पोस्ट प्राप्त हुआ है जो कि आप सभी को जानना चाहिए और समझना चाहिए क्योंकि यह पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपको बता दें कि जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने का है जो EPS 95 पेंशन के स्कीम के तहत जो जो चेंजेस आए हुए उससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि जो फॉर्मूला था वो अपने आप में ही गलत है, इट्स सेल्फ डिफेक्टिव है। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि इन द एडिशन टू दिस द अथॉरिटीज हैव रेज्ड लिमिट्स फ्रॉम ₹5,000 टू 6,500 एंड इफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑप्ट फॉर द फुल सैलरी बट नाउ द फुल सैलरी लिमिट इज विड्रॉल द सैलरी इज लिमिटेड टू 15,000 वाई ऑल दीज थिंग्स वेयर हैपेंड सो मोटो इज नॉट नोन। तो ये सब क्यों हुआ, मतलब पहले 5,000 था फिर 6,500 उसके बाद 15,000 किया गया, ये क्यों हुआ इसका मोटो किसी को भी पता नहीं है, किस पर्पज से इसको चेंजेस किया गया। द ब्यूरोक्रेट्स इन द EPFO आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड ओपनली टू अप्रेज द डिफेक्ट्स ऑफ द स्कीम्स टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर द रीजन नॉट नोन। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं EPFO के वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं इस EPS 95 पेंशन की स्कीम के डिफेक्ट्स के बारे में बताने के लिए। That's why the statement, unless either the scheme is modified or withdrawal. That's why the settlement, unless either the scheme is modified or withdrawal, there will be no justice to the pensioners. यहाँ पर कहने वाला है जब तक इस स्कीम को ही विड्रॉल नहीं किया जाएगा या फिर इसमें मॉडिफाई नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी पेंशनर्स के साथ जो है जस्टिस नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर तीन बातें आपको समझने को मिली कि जो चेंजेस किए गए वो किस उद्देश्य से किए गए, ये किसी को भी आज तक भी क्लियर नहीं हुआ कि ये जो चेंजेस किए गए जैसे 5,000 था उसके बाद 6,500 हुआ 15,000 हुआ तो वो किस बेनिफिट से हुआ, ये किसी के पास भी क्लियर इसका जवाब नहीं है। और जो सरकारें जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जान रहे हैं कि EPFO के इस EPS 95 के स्कीम में डिफेक्ट है और वो गवर्नमेंट के सामने इसको ओपनली नहीं बता रहे, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। सरकार के सामने ये मुद्दे उठाना काफ़ी आवश्यक है जिससे कि वो अवेयर हो सके किस प्रकार का डिफेक्ट था, किस वजह से पेंशनर्स को समस्या आई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें थी जो कि नहीं उठाई जा रही है। ये पेंशनर्स के जरिए एक पोस्ट प्राप्त होता है जो कि आपके साथ साझा किया जाना काफ़ी आवश्यक था। आपकी जो भी राय होगी वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्या समझते हैं आप इस इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई जो बातें हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने दोस्त को याद दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।